नमस्कार, मैं कनक। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि राष्ट्रपति पद के मतदान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को अनपेक्षित वोट भी मिलेंगे। एनडीए की उम्मीदवार श्रीमती मुर्मू अच्छे व्यक्ति की धनी है, इसलिए उन्हें उम्मीद से ज्यादा वोट मिल रहे हैं, उनका जीतना तय है। मुख्यमंत्री सोमवार को हरियाणा विधानसभा में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के सभी राज्यों के साथ लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति के पद के लिए मतदान हो रहा है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। दोपहर 12:30 बजे तक हरियाणा विधानसभा में 48 वोट डाले जा चुके हैं। कुछ विधायक दिल्ली में भी मतदान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए और यूपीए के उम्मीदवारों के मतदान का अपना अपना गणित है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि एनडीए पद के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू काफी अंतर से जीत दर्ज करेंगी और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगी। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेगी श्रीमती मुर्मू। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के महिला उम्मीदवार होने से देश भर की महिलाओं में उत्साह का संचार होगा। श्रीमती मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। वहीं जनजातीय समाज से भी वे पहले महिला हैं जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी जाएंगी। राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, एनडीए ने अच्छे पढ़े लिखे उम्मीदवारों का किया चयन। एक सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति, एनडीए ने सोच समझकर सभी समीकरण के हिसाब से अच्छे व पढ़े लिखे उम्मीदवारों का चयन किया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं और वकील रहे हैं। इसके साथ साथ वे पश्चिम बंगाल में गवर्नर रहे हैं, वहाँ उनकी अच्छी भूमिका रही है। उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर अच्छा संदेश दिया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।